आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फोटोशॉप में आप किस तरह किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड हटा सकते हैं और किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करके एक न्यू बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप फोटोशॉप में आप ये कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको दो तरीके से हम बताएंगे, एक ऑनलाइन तरीके से और एक ऑफलाइन फोटोशॉप की तरीके से। दो माध्यम से आज के इस वीडियो में बताएंगे किसी फोटो में फोटो का बैकग्राउंड हटाना और फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना और किसी फोटो को बैकग्राउंड में कोई भी वॉलपेपर लगाना, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले फोटोशॉप में आ चुके हैं। यहाँ मैंने आपको तीन फोटो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे तीन फोटो मैंने रखा हूँ। यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक फोटो है जिसकी बैकग्राउंड में देख सकते हैं कई कलर है। तो इसको आप चेंज करना चाहते हैं, किस तरह चेंज कर पाएंगे फोटोशॉप के माध्यम से ये फोटो। उसके बाद यहाँ पे दूसरा फोटो है जिसके बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही कलर है, ठीक है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही कलर, इसको भी किस तरह आप चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पे जो तीसरी फोटो है इसमें सिर्फ दो कलर है। तो इस तरह का फोटो को किस तरह आप चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड, और किस तरह मान लीजिए ये फोटो में देख पा रहे हैं ये एक पर्दे के पीछे खड़ा है, तो इसको आप किसी ताजमहल के पीछे या किसी किले के पीछे आप इसे खड़ा कर सकते हैं, मतलब कि उसके पीछे कन्वर्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं फोटोशॉप के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना सिखाते हैं फोटोशॉप में। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फोटो का जो बैकग्राउंड है सिर्फ एक कलर का है, तो ये बहुत ही आसानी से आप इसे चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक जो टूल दिया गया है, ये वाले टूल मैजिक टूल, ठीक है। ये मैजिक टूल को सिलेक्ट करना है, ये आप कीबोर्ड से W प्रेस करेंगे ये टूल एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दो नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरह पूरी बैकग्राउंड को क्लिक करना है, पूरी बैकग्राउंड पे क्लिक करना है ताकि ये पूरी बैकग्राउंड को इस तरह सेलेक्ट कर ले। पूरी बैकग्राउंड को यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे अभी। इस तरह हम पूरी बैकग्राउंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बैकग्राउंड एक कलर का रहेगा ये सेलेक्ट बड़ी ही आसानी से हो जाएगा, अगर बैकग्राउंड में कई कलर रहेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फोटो को बैकग्राउंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो ये देखिए मेरा फोटो का जो बैकग्राउंड ये सेलेक्ट हो चुका है। अब इसको हम चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए सबसे नॉर्मल जो तरीका है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे किस कलर में चेंज करना चाहते हो वो कलर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे, तो इसका जो ये है कलर ये चेंज हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सा प्रक्रिया हो गया, और इससे अच्छा क्वालिटी देंगे, इससे अच्छा बैकग्राउंड देंगे उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे इस वाले टूल को सेलेक्ट करना, या कीवर्ड से आप जी प्रेस करेंगे तो ये टूल एक्टिवेट हो जाएगी। ये टूल एक्टिवेट होने के बाद उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ कलर का एक ऑप्शन खुलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मान लीजिए ये मुझे ये डिजाइन बहुत अच्छा लगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो कई कलर आ रहे हैं आपको जो कलर का जितना रखना चाहते हैं वो आप इतना रख सकते हैं इसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद फोटो के बीचम बीच पे क्लिक करेंगे और माउस के बटन को क्लिक किए ही नीचे तक लाएंगे। नीचे तक यहाँ देख सकते हो ये लाइन नीचे तक लाएंगे। उसके बाद जैसे माउस को छोड़ देंगे तो ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, देख सकते कई कलर में ये बैकग्राउंड कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह किसी भी इमेज का आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड में कई कलर कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस कलर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कितना कौन सा कलर रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे, फिर से यहाँ ऊपर पे क्लिक करेंगे, नीचे तक लाएंगे, माउस को छोड़ देंगे तो उस कलर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह। तो यहाँ पे लुक देख लीजिए कितना अच्छा लुक है, यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इसी तरह आप करेंगे तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर चाहिए आप कर सकते हैं, अगर किसी एक कलर में चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे नोज है, यहाँ पे अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना देना है, कहाँ पे क्या रखना है, कितना कलर, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी दिया गया, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ये वाले दिया गया, ये वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे फोटो स्टूडियो में देखते होंगे, फोटो स्टूडियो में जो बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड ये वाले बैकग्राउंड होते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम इस साइड कर देंगे, इसको भी हम इस साइड कर देंगे। जब आप फोटो खिंचाते हैं
तो उसका बैकग्राउंड जो देखते हैं कुछ इस तरह का उसका बैकग्राउंड रहता है, ठीक है, नीचे वाइट ऊपर हारा, ठीक है, ब्लू, ठीक है, इस तरह का फोटो स्टूडियो में आपको एक मिल जाएगा बैकग्राउंड। इस तरह का बैकग्राउंड बना बदल सकते हैं, एक जियो फोटो का बैकग्राउंड एक कलर है तो आप नॉर्मल तरीके से इस तरह बदल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरी फोटो है जिसकी जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड में कई कलर यहाँ पे हैं, तो कई कलर है, इसको हम किस तरह चेंज कर पाएंगे उसके लिए यहाँ पे मैजिक टूल को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डब्लू प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक किए तो ये सिर्फ एक कलर को ही सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये दूसरा को भी सिलेक्ट करने के लिए दूसरा पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर ये आपका नहीं सिलेक्ट होता तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तब यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। जब ये आपका एक साथ दो बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एक साथ आपका दो बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मैजिक टूल को सिलेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे दो नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक साथ दो बैकग्राउंड भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो कलर देना चाहिए वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको ओके करेंगे, उसका ऊपर से खींच कर लाकर आपको नीचे छोड़ देना, जैसे छोड़ेंगे तो इनका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह का, यह बैकग्राउंड यहाँ पे ये चेंज करता है, तो इसी तरह आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ये तो हो गया एक एक कलर की बैकग्राउंड, डबल कलर की बैकग्राउंड। अब ये फोटो की बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, बल्कि इसमें एक कलर तो नहीं है, आप देख पा रहे एक कलर नहीं कई कलर हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको मैजिक टूल है, मैजिक टूल को यूज नहीं करना है, क्योंकि मैजिक टूल को यूज करेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, बहुत मेहनत इसमें होगा, आपको बहुत दिक्कत होगी, इसके लिए यहाँ पे मैजिक टूल को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए जो भी कलर का बैकग्राउंड देना है वहाँ पे आपको इस कलर को सेलेक्ट कर लेना है, मान लीजिए मैं लाल को यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रश टूल को सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे माउस पे क्लिक करें, राइट साइड ये गोल का जो है गोल ये रेंगल कितना बड़ा लेना चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह कर लेंगे फोटो के जिस चारों साइड हम इस तरह कर लेंगे, तो इस तरह आपको कर लेना। सबसे पहले क्या करना है आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले इसको जूम कर लेंगे, जूम इन कर लेते हैं तो फोटो, सबसे पहले क्या करना है इसकी जो फोटो है फोटो के चारों साइड आपको ये कर लेना होगा, कर लेना, ठीक है। देखिए फोटो है, ये फोटो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से बनाने के लिए, फोटो के बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, ये तो ऑफलाइन फोटोशॉप में सिखा रहे हैं, इसके इससे भी अच्छा हम आपको ऑनलाइन सिखाएंगे। तो यहाँ पे फोटो के चारों साइड, ठीक है, इस तरह, ठीक है, चेहरे को चारों साइड आपको इस तरह कर लेंगे ताकि आप जब फोटो का बैकग्राउंड बदलेंगे तो ये चेहरा पे नहीं जाएगा, इस तरह आप यहाँ से इनको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे पूरा ड्रेस पे कर लीजिए, मतलब कि पूरा कपड़ा जो उसके साइड साइड पूरा बॉडी के साइड साइड यहाँ पे आपको इस तरह एक बैकग्राउंड को इस तरह दे देना है, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय ले सकता है, तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे करेंगे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम फास्ट में कर रहे हैं, आप धीरे धीरे कीजिएगा, बैकग्राउंड बदल दीजिएगा, ठीक है। इस तरह का आप यहाँ पे पूरी चीज बदल लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे पूरी बदल लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने फोटो के चारों साइड एक रेंगल दे दिया, मतलब कि फोटो के चारों साइड एक मैंने लाइन दे दिया। अब जो हम यहाँ पे इनकी बैकग्राउंड चेंज करेंगे पीछे का, तो यहाँ पे हम उस पर नहीं जाएगा क्योंकि हमको पता है कि फोटो इस लाइन से हमको इधर ही कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं और इस तरह करेंगे इसको सटाकर ताकि ड्रेस पे नहीं जाए, क्योंकि आपने पहले से बॉर्डर दे चुका है तो उस बॉर्डर से आपको सटाकर निकालना, ठीक है, इस तरह, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपको एक बैकग्राउंड को चेंज कर लेना है, ये आप जूम करके अच्छा से कर सकते हैं, जूम कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, ठीक है, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, तो ये वाले यहाँ पे आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अब बड़ा स्टूल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इनको छोटा कर लेंगे इस तरह, देखिए जहाँ पे जितनी बड़ी गोल ये रेक्टेंगल है इनको
करना चाहे उनको, आप राइट साइड क्लिक करके इनको आप उतना छोटा उतना बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पूरी चीज़ को, मतलब कि पूरी फोटो बैकग्राउंड को आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। और इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बैकग्राउंड को चेंज करना, बहुत अच्छे से बैकग्राउंड चेंज करना सीखेंगे और एक अच्छे से बैकग्राउंड लगाना भी आप सीखेंगे फोटोशॉप के माध्यम से। तो इस तरह आप पूरी फोटो के बैकग्राउंड को कर लेंगे। तो इस तरह आप बैकग्राउंड बदल सकते हैं। मैंने फटाफट किया जल्दीबाजी में, इसलिए थोड़ा सा कट कूट गया है। तो अब यहाँ पे इनको सेलेक्ट करेंगे, देखिए अब इनका सभी का बैकग्राउंड एक कलर है, तो ये डायरेक्टली मैजिक टूल से यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इनको कलर को चेंज कर सकते कुछ इस तरह। यहाँ से जो भी कलर देना चाहे उसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से नीचे ला के छोड़ देंगे, यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया फोटोशॉप में चेंज करना। अब मान लीजिए ये फोटो है, ठीक है, इस फोटो को बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ओपन करते हैं। यहाँ पे कई सारे हमारे पास बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड मुझे अच्छा लगता है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल की तौर पे तो यहाँ पे मैंने इस बैकग्राउंड को ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ मैंने इस बैकग्राउंड को ओपन कर रखा है। अब देखिए इस बैकग्राउंड में हमें इस फोटो को इस बैकग्राउंड में देना है। सबसे पहले फोटो को सेलेक्ट करेंगे, फोटो को बैकग्राउंड का होना कलर होना चाहिए वो एक कलर होना चाहिए ताकि फोटो सेलेक्ट अच्छा से कर सके। यहाँ मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड को ये सेलेक्ट कर लेगा। फोटो की बैकग्राउंड एक कलर रहेगा तो ये मैजिक टूल सेलेक्ट अच्छा से कर लेगा। अब ये सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है सेलेक्ट पे, या आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई सेलेक्ट करेंगे, या आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ चार नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब जो बैकग्राउंड भी सेलेक्ट था पहले बैकग्राउंड हट चुका, अब ये सिर्फ फोटो सेलेक्ट है। इसको हम छोटा कर लेंगे और यहाँ पे मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे। अब इस फोटो को खींच कर लाकर इस बैकग्राउंड में यहाँ पे रख देंगे। तो ये देखिए बैकग्राउंड किस तरह बड़ी ही आसानी से यहाँ पे हो चुका है। इसे हम छोटा इस तरह छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं ताकि जो साइज आगे पीछे हो छोटा बड़ा वो सेम साइज में हो। तो इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका जो बैकग्राउंड है चेंज हो चुका है। ठीक है, उस फोटो को मैंने इस बैकग्राउंड में लगा दिया हो, और इस फोटो को हम डबल करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। इस फोटो एक ही फोटो को डबल करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल अलर्ट और शिफ्ट के साथ इस फोटो को इस तरह खींचना है तो ये फोटो डबल हो जाएगा। जितना खींचेंगे उतना यहाँ पे डबल होते जाएगा। इस तरह आप यहाँ पे फोटो को एक फोटो को कई बैग में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ पे फोटो का बैकग्राउंड फोटोशॉप में बहुत ही अच्छे से आसानी से एक अच्छी सी क्वालिटी में बदल सकते हैं। तो चलिए अब ये तो हो गया, अब हम एक न्यू इसको क्लोज करेंगे, इस फोटो को क्लोज करेंगे। अब देखिए हम इसको मतलब कि इसका बैकग्राउंड जो है कई कलर है, तो इनको भी हम सेलेक्ट करके इनका भी एक बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यू सा बैकग्राउंड हम यहाँ पे अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। अब मैंने ये सब बैकग्राउंड ले लिया हूँ। अब इस बैकग्राउंड को हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मैजिक टूल को सेलेक्ट करेंगे। देखिए बैकग्राउंड एक कलर को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर इस कलर को, फिर इस कलर को, फिर इस कलर को, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या करना है, इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में कई कलर हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के साथ साथ ये फोटो पर भी चढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फोटो पर भी आ गया है। तो इनको हम किस तरह हटाएंगे वो आप वो भी सीख लीजिए। तो बैकग्राउंड तो सेलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। इस तरह मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, यानी कि फोटो पे सेलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपको इस वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट वाले को, और यहाँ पे गोल आइकन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए इस तरह आ गया, गोल आइकन लेंगे। यहाँ पे भी एक गोल आए, इसको भी हटाएंगे। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए इस तरह करेंगे, यहाँ पे चेहरे पर से हटाएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ इस तरह खींचेंगे तो यहाँ पे ये चेहरे पर से हट जाएगा। ठीक है, कंट्रोल अलर्ट के साथ, अलर्ट के साथ अगर आप इसको इस तरह गोल करेंगे तो इतना दूर हट जाएगा। फिर आप अलर्ट दबाए रखेंगे, इस तरह करेंगे गोल हट जाएगा। फिर इस तरह अलर्ट दबा के आप यहाँ तक करेंगे जहाँ तक बॉडी है वहाँ पे ये हट जाएगा। फिर इस तरह करेंगे ये हट जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे ये हट जाएगा। ठीक है, इस तरह हो गया। अब देखिए यहाँ पे फोटो के अलावा भी, यहाँ पे फोटो के बाहर भी एक तरह मतलब इस तरह का गोल गोल घूम रहा है, इसको भी हम इस टूल को सेलेक्ट करेंगे।
अलर्ट के साथ। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए कि फोटो की जो साइड साइड में ये गोल है इसको भी हटाएंगे। उसके लिए अलर्ट के साथ इस पहले इस वाले टूल को सेलेक्ट करेंगे, अलर्ट के साथ इसको घेर देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। सॉरी, शिफ्ट के साथ इसको घेर देंगे, फिर शिफ्ट के साथ इसको घेर देंगे तो वो हट जाएगा। शिफ्ट के साथ जितना घटाना है शिफ्ट के साथ यहाँ पे घेर देंगे, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ जो भी बाहर गोल गोल घूम रहा है उसको भी यहाँ पे शिफ्ट के साथ इस तरह हटा देंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे भी गोल गोल बाहर है तो शिफ्ट के साथ इसको हटा देंगे गोल को, या बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज करने में थोड़ा ये हुआ छूट गया तो वहाँ पे उसको फिलअप कर देंगे बैकग्राउंड को। नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत, क्योंकि हमको उसी फोटो सेलेक्ट करना है। अब देखिए ये हमारा फोटो सेलेक्ट हो चुका है, अब इसको भी हम उसी तरह सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे या कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल आई सेलेक्ट करेंगे तो ये इसी फोटो सेलेक्ट होगा। उसके इसको छोटा कर लेंगे, इस फोटो को मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे, मूव टूल से इस फोटो को खींच कर लाके इसमें दे देंगे। तो इस तरह यहाँ पे आ चुका, इसको हम इस तरह छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे इस फोटो को यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, छोटा यहाँ पे लॉक लगा देंगे, इस जितना छोटा करना चाहिए आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताएंगे हम, आपको यहाँ पहले लॉक लगा के आपको इसको सेट कर लेते हैं, जहाँ पे इसको खड़ा करना चाहिए यहाँ पे आप खड़ा कर सकते हैं। तो आपने देखा इस तरह यहाँ पे बैकग्राउंड को हम बदल चुके, और इस फोटो को लाकर हम यहाँ पे लगा दिए, जहाँ पे भी लगाना चाहिए आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात और देख लीजिए, थोड़ी सी अच्छी सबक को समझा देते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम इन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोटो में देख पा रहे हैं, फोटो में ये बंदा किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। तो इसको हम इस कार्ड यानी कि ये जो खड़ा है, ये मेरा छोटा भाई है, ये जो खड़ा है ये मतलब देखिए इस तरह, मतलब कि इधर से इधर टेढ़ा खड़ा है, तो इसको हम इस साइड को टेढ़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ये एंगल दिया गया इस पर क्लिक करके इस साइड पे से हम खींच कर ला के इस साइड दे देंगे। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए फिर से बता देते हैं, ये जो हाथ देख रहे हैं, ये जो मोड़ा हुआ हाथ है वो किस साइड है, इस साइड है, ठीक है। ये मोड़ा हुआ हाथ जो है ये इस साइड है, इस मोड़ा हुआ हाथ को हम इस साइड कन्वर्ट करेंगे। ये जो हम इमेज मेरा सिलेक्टेड है उसके बाद यहाँ पे एक ये जो एरर इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके राइट साइड से सेम इधर हमको राइट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फोटो ठीक है, सिर्फ हाथ चेंज हो चुका है, मतलब कि सिर्फ मतलब चेंजिंग हो चुका है, रूट बदल चुका है, रोटेज हो चुका है। इस तरह आप यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी इमेज को कंट्रोल अलर्ट शिफ्ट के साथ एक न्यू कॉपी बना लेंगे और इस इमेज को इस तरह क्लिक करके इस तरह देख लेंगे। देख लीजिए एक ही इमेज है, इसमें जो इस तरह से इधर से देखा जा रहा है, इसमें इधर से देखा जा रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पे एक अच्छा सा फोटोशॉप में एडिटिंग कर सकते हैं, फोटोशॉप में बहुत अच्छे से एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख ली, इस तरह आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप जितना भी करना चाहे आप यहाँ से इसको डबल भी कर सकते हैं, या आप एक ही फ़ोटो में अर्धर दूसरे भी फ़ोटो को लगा सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक फ़ोटो है, तो इसको भी हम यहाँ पे मैजिक टूल से बैकग्राउंड इनका सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड किस तरह सेलेक्ट करूँ तो आपको मैं बता दिया, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में कई कलर है इसलिए, नहीं तो अगर एक कलर रहता एक बार क्लिक करते ये सिलेक्ट ले लेता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज सेलेक्ट हो चुका है, इसको खींच के लाकर आपको इसमें दे सकते हैं, ठीक। इस तरह यहाँ पे एक इमेज में डबल फोटो भी दे सकते हैं। इस तरह यहाँ पे इसको लॉक लगाएंगे ताकि ये जो कटे वो सीधा कटे और ना कोई मोटा ताज़ा, जैसा रहता है इमेज वैसा ही कटे। तो इस तरह यहाँ पे इनको कट चुका है, यहाँ पे इनको भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का इमेज हमारा फोटोशॉप में बदल चुका है, फोटोशॉप में बन चुका है। मैंने फोटो का बैकग्राउंड बदला और बैकग्राउंड को एक कलर देना, और बैकग्राउंड को कलर देने के अलावा बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड लगा दिए मैंने, ठीक है। तो अब एक इमेज के ऊपर हम इस फोटो को लगा दिए, जहाँ भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं। अब इसे रोटेज भी कर सकते हैं, यहाँ से रोटेज भी कर सकते हैं पूरा फोटो को, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, और कुछ आपको चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसकी फ़ोटो को लाइट देना, लाइट देने के लिए इमेज पे क्लिक कर एडजस्टमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे आप या कंट्रोल एम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो
यहाँ पे इस लाइन पे ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये लाइट आपके फोटो में बढ़ता जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह सिर्फ एक ही फोटो में बढ़ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही फोटो को सेलेक्ट कर रखा है। सभी फोटो में एक साथ बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको इस इमेज को सेव करना होगा, उसके बाद आके यहाँ पे हम आप कर सकते हैं। इसी तरह आप अपना किसी फोटो का बैकग्राउंड बदल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो ये आप फोटोशॉप में बैकग्राउंड बदलना सीख गए। चलिए, आप ऑनलाइन इससे अच्छा बैकग्राउंड बदलना सिखाएंगे जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना हो, ज़्यादा काम भी नहीं करना होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है remove.bg, यानी कि remove.background, ठीक है। तो remove.bg क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लिंक के फॉलो करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक जिसका बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं आप यहाँ पे उनको सेलेक्ट करेंगे, चाहे उसका बैकग्राउंड में 1000 कलर ही क्यों ना हो तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं वही वाला फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने अभी फोटोशॉप में एडिटिंग किया था कई कलर वाले, तो उसी फ़ोटो को मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ देखिए अपलोडिंग हुआ तुरंत, एक सेकेंड भी नहीं लगा, ये अपलोडिंग ओरिजिनल फाइल है और ये बैकग्राउंड बदल दिया, सिर्फ फ़ोटो ही बदला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ छूट जाता है आपका या कुछ ज़्यादा कट जाता है या कुछ कम ही करता है तो यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो वो इमेज जैसे, इस इमेज को यहाँ पे आप जूम भी कर सकते, जूम आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन, एक इरेजर और रीस्टोर का दिया गया ऑप्शन, तो यहाँ पे सबसे पहले रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, इरेजर और रीस्टोर, यानी कि सबसे पहले मतलब अगर आप कुछ काटना चाहते हैं तो यहाँ पे अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ये गोल है कितना बड़ा गोल देना चाहते हैं यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। कुछ काटना है तो आप यहाँ पे इस तरह काट, जैसे कि यहाँ पे पैर के पास कुछ ये काटना छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो ये, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ मेरा ये जो पैर है, ये पैर इन्होंने काट दिया, ठीक है। तो अब इसको रिटर्न लाने के लिए यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस पैर को काटा है तो उस तरह यहाँ पे देंगे तो ये रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा वो कट गया तो ज़्यादा कट गया, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो इनको छोटा कर लेंगे और इस तरह कर लेंगे ऐसे। तो ये एक बार में क्लिक करने पर आपको अच्छी सी क्वालिटी में फ़ोटो बना के दे देता है। अगर आपको छूट जाता है, मतलब कहीं कहीं छोड़ देता है, तो इस तरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड वाले क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड का वो ऑप्शन मिलता है। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिनल फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये ओरिजिनल फ़ोटो है। अब देखिए इस ओरिजिनल फ़ोटो का अगर हम बैकग्राउंड धुंधला करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये धुंधला हो चुका है, बल्कि फ़ोटो धुंधला नहीं हुआ है। जब और धुंधला करेंगे, यहाँ पूरा धुंधला करेंगे, इस तरह आप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ फोटो के बैकग्राउंड बदल के आपको कुछ बैकग्राउंड लगा के भी ये देते हैं, तो यहाँ देखिए फोटो के साथ बैकग्राउंड लगा के भी यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, कई सारे बैकग्राउंड के साथ फोटो कन्वर्ट करके इन्होंने हमें दे दिया है। जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उस तरह कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे यहाँ पे देख लीजिए, उस पर क्लिक करेंगे ये आपको उस बैकग्राउंड में फ़ोटो को कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। ये तो आपको यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड में ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं, कितने अच्छे लुक में यहाँ पे आपको दे रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए कितने अच्छे लुक में यहाँ पर बैकग्राउंड इन्होंने चेंज करके आपको दे दिया है। अब देखिए आपको चाहते हैं कि बैकग्राउंड मेरा एक कलर हो, ठीक है, ये कलर रंगीन कोई एक कलर का बैकग्राउंड हमारा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया कलर, कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कौन कलर का बैकग्राउंड देना चाहिए तो वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे कई कलर में कन्वर्ट करके इन्होंने ऑलरेडी आपके लिए दे दिया है, ठीक है। जो भी कलर का आपको चाहिए उस कलर पर क्लिक करेंगे वो फोटो उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी इस कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसे इमेज को हम यहाँ पे ओपन करके भी आपको दिखा देते हैं, तो ये देखिए हमारा ये इमेज डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हम फोटोशॉप में भी ओपन कर सकते हैं, जहाँ भी ओपन करना है ओपन करके इसे हम यूज में ला सकते हैं। तो ये देखिए फोटोशॉप में ओपन हो चुका है, फोटोशॉप में एडिटिंग करेंगे जो करना है हम यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे आज का इस छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपका फोटोशॉप नहीं खुल रहा है या फोटोशॉप में कोई फोटो सेव नहीं हो रहा है, इस वीडियो को देखकर आपको वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।